एक्सेलशन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, जहां पर पूरा विश्व आज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहा है, वहीं भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के न्योते पर अमेरिका की विजिट कर रहे हैं। जी हां, 4 दिनों तक जो है अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, यात्रा पर रहेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस यात्रा को हमारे जम्मूवासी किस नज़रिए से देखते हैं। एक तो मैं सबसे पहले अपने देशवासियों को मुबारकबाद देती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी को यूएस ने इनवाइट किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनका स्टेट विजिट है और ये पूरे वर्ल्ड के लिए हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। ये किसी भी कंट्री का ये 3rd स्टेट विजिट है यूएस का। पहला एक फ्रांस का हुआ था, दूसरा साउथ कोरिया का, और 3rd हमारा देश है जिसको यूएस प्रेजिडेंट ने इन्वाइट किया जी। तो हम लोगों के लिए है एक गर्व की बात है। और ऊपर से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिसमें हमारी नई टेक्नोलॉजीज, न्यू वेपन्स। कारण ये है कि जिस तरह आपने जानते हो कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, उस कारण हमारा इंडिया सबसे ज़्यादा वेपन्स के लिए रशिया पर डिपेंड करता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी अब ये नहीं चाहते कि हमारा देश सिर्फ एक ही कंट्री पर डिपेंड रहे, और वो नए नए एग्रीमेंट साइन करने गए, नई टेक्नोलॉजीज़ को अपने देश में लेके आने के लिए सभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs हैं उनसे मिलने। मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा कदम है ये। हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि अब हमारे देश में नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, अब नए वेपन एग्रीमेंट होंगे, ताकि हमारा देश एक ही चीज़ पर डिपेंड नहीं रहेगा। चलिए आपसे बात करते हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय सूरी। संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं यूएस के दौरे पर हैं, किस नज़रिए से देखते हैं उनके इस दौरे को? ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि अमरीका के प्रेजिडेंट ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को न्योता भेजा है। हमारे लिए जो रिलेशन है बहुत अच्छे होंगे, बिजनेस में भी बहुत फ़ायदा होगा। जो हमारे वहाँ भारतवासी हैं वो भी बहुत खुश हैं, तो इससे बहुत ही अच्छा हमारे लिए तो गर्व की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारा जो इंडिया का नाम कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। और अमेरिका जैसा देश जो कल तक प्राइम मिनिस्टर को वीज़ा नहीं दे रहा था, तो आज उन्हें न्योता दे रहा है, बुला रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात है। जी, मैं ये कहना चाहूँगा वो बहुत अच्छी बात है, एक अपॉर्चुनिटी है हमारे इंडिया के लिए कि वो बाहर जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज हेड ऑफ द स्टेट। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इंडियन डायस्पोरास हैं जो हमारे GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं और बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करेंगे, और इसके इश्यूज के रिलेटेड उम्मीद है कि वो बात करेंगे। और बात करें कि बायलेटरल ट्रेड रिलेशंस की जो हमारे USA के साथ हैं, उम्मीद है कि उन पर भी बातें करेंगे। और अगर हम माइग्रेशन इश्यूज जैसे कि वीज़ा का इश्यूज होते हैं वहाँ पे, इस वीज़ा के लिए तो थोड़ा डिफ़िकल्टीज होता है कि इंडियन के लिए, कि उनको काफ़ी फेस करना पड़ता है। उम्मीद है कि उन पे भी बातें करेंगे और काफ़ी अच्छा रहेगा, और उम्मीद है कि और बहुत सारे अदर इश्यूज पे भी बात होगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी अमेरिका जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, उनसे हमारे संबंध अच्छे बनेंगे। और जो उनकी वहाँ की जो कंपनीज होंगी वो हिंदुस्तान में मूव करेंगी, हिंदुस्तान को फ़ायदा होगा, और भी हमारा जो उनके साथ जो लेन देन है, जो उनसे हम काफ़ी कुछ परचेजिंग करते हैं, जैसे रशिया के साथ अच्छे संबंध हैं, अमेरिका के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हो जाएं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक जो है वो US विजिट कर रहे हैं, इस यात्रा को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जैसा कि आज हमारा योग दिवस भी है, और आप देख रहे हैं कि हमारा जो भारत से हमारे ऋषि मुनियों की जो ये पुरातन संस्कृति है, ये योग साधना, ये आज भारत से निकलकर पूरे विदेशों में जो है अपनी धाक जमा चुकी है। आज विदेशों में भी बहुत सारी कंट्रियां हैं जो यहाँ पर ये योग दिवस जो है मनाया जा रहा है, और हमारा ही ये भारत का योग जो है वो पूरी विदेशी धरती पर भी अपना ये प्रभाव दिखा रहा है। उसी प्रकार हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, जो भारत के भावी बहुत ही एक कुशल प्रधानमंत्री हैं, इनकी जो कठिन परिश्रम से मैं कहता हूँ कि भारत की आज विदेशों में धूम मची है। जो लोग कभी भारत को ये बोलते थे कि ये भारत में ये सपेरों का देश है, जहाँ पे केवल बीन बजाई जाती है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये आडंबरों का देश है, आज वो भारत का लोहा मानते हैं। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारत के साथ मित्रता ना चाहता हो, पाकिस्तान और ये चीन को छोड़कर। आप देखेंगे कि विश्व के जितने भी देश हैं वो चाहते हैं कि भारत से मित्रता बने। और ये जो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी 21 से 24 तक जो विदेश में हैं,
इससे अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध हैं वो मजबूत होंगे। ये बड़े गर्व की बात है। 133 करोड़ जो हमारे भारतवर्ष के जो लोग हैं, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि एक जो इंटरनेशनल मुल्क है, जो मुल्क जो है किसी भी के आगे भी नहीं झुकता था, आज उस मुल्क के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को वहाँ बुलाया है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है, ये जो योगा है, योगा को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नरेंद्र भाई मोदी जी ने लाया था। आज 180 जो देश हैं वो योगा के बीच में जो है योगा पे काम कर रहे हैं। योगा जो है हर आदमी को जोड़ता है। योगा का मतलब ही है योग, योग का मतलब है जोड़ना। जोड़ने से जो है आज हिंदुस्तान की इतनी बहुत बड़ी ताकत बनी है। मैं सभी देशवासियों को नरेंद्र भाई मोदी जी के इस योगा दिवस के ऊपर सबको बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत के प्रधानमंत्री की यूएस विजिट को आम जनता ने जो है सकारात्मक तरीके से देखा है। उन्होंने इसको जो है वेलकम स्टेप दिया है। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका और इंडिया के रिलेशनशिप में जो है और बॉन्डिंग बनेगी और यहाँ पर जो है कुछ ज़रूरी डील्स भी की जाएंगी जो आने वाले वक्त में जो है दोनों देशों के लिए जो है फ़ायदेमंद साबित होगी। इंडिया के रिलेशनशिप जो है निसंदेह डेवलप हो रहे हैं और इंडिया की इमेज जो भी है वो भी विदेश में जो है उभर कर सामने आ रही है। मोदी की इस तरह की विजिट से आम लोगों ने जो है इसको पॉजिटिव वे में देखा है और लोगों ने कहा कि आने वाले दिनों में इस विजिट से काफ़ी आउटपुट जो है वो उभर कर सामने आएगा जो दोनों देशों के हित में होगा। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।